हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवीश, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की। इस वर्ल्ड कप में आईसीसी क्या नया चेंज लेके आने वाली है, किस नए नियम को इंप्लीमेंट करने वाली है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचे और क्रिकेट की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिले, अंदर की खबर आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की, जो कि 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ है, ये 24 अक्टूबर को दुबई में खेला जाएगा। और भारत पाकिस्तान ही नहीं, ऑल ओवर द क्रिकेट फैंस इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब भारत और पाकिस्तान की टीमें आपस में टकराएंगी। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम इस महासंग्राम में उतरने वाली है। फिलहाल भारतीय क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं वो आईपीएल खेलने में बिजी हैं और आईपीएल खत्म होने के बाद टीम असेंबल होगी और उसके बाद तैयारियों में जुट जाएगी। तो आईसीसी ने भी अपनी तैयारियां कर ली हैं। इस बार आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आपको डीआरएस भी देखने को मिलेगा। जी हां, हर टीम को 2 डीआरएस एक मैच के दौरान दिए जाएंगे, जिसका प्रयोग जो टीमें हैं वो अपने हिसाब से कर सकती हैं। आखिरी टी20 वर्ल्ड कप दोस्तों 2016 में खेला गया था और उस वर्ल्ड कप में डीआरएस नहीं था, जबकि 2011 में जब 50 ओवर वर्ल्ड कप खेला गया था उसमें टीमों को 3 डीआरएस मिले थे। लेकिन 2016 टी20 वर्ल्ड कप में टी20 फॉर्मेट में डीआरएस की व्यवस्था नहीं थी। आईसीसी को ऐसा नहीं लगता था कि इसमें डीआरएस होना चाहिए। हालांकि अगर आप आईपीएल का सीजन इस वक्त देख रहे होंगे तो आपको पता है कि उसमें भी डीआरएस इंप्लीमेंट हो रहा है, टीमें 1 डीआरएस ले सकती हैं। लेकिन यहां आईसीसी ने 2-2 डीआरएस जो है वो टीमों को दिए हैं, टीम जो है 2 डीआरएस का प्रयोग कर सकती है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि कोविड के रूल हैं, अंपायरिंग्स को भी बड़ा क्योंकि अच्छा रखना है उसकी वजह से, ताकि कोई जजमेंट ऑफ एरर ना हो, उनको हटाने के लिए 2 डीआरएस जो है इस बार नजर आने वाले हैं। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि महिला टी20 वर्ल्ड कप जो खेला गया था उसमें ऑलरेडी डीआरएस जो था वो इंप्लीमेंट आईसीसी कर चुकी थी, लेकिन मेंस टी20 वर्ल्ड कप तो 2016 के बाद अब 2021 में हो रहा है। वैसे तो 2020 में भी टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वो जो वर्ल्ड कप था उसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब 2022 में ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और इंतजार करें टी20 वर्ल्ड कप में मेरी लेटेस्ट कवरेज का।